हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन बॉक्सिंग में। फन बॉक्सिंग क्योंकि फन भी जरूरी है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक कंप्लीट व्लॉगिंग सेटअप, वो भी एक मोबाइल के साथ। आप कैसे कर सकते हैं और आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ने वाली है वो मैं सब लेके आया हूँ। तो ज्यादा लेट ना करते हुए लेकर टेक्निकल गुरु जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं। व्लॉगिंग के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए सबसे पहले हमको एक छोटा ट्राइपॉड, और ये उसी कंपनी का है जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में लाइट की अनबॉक्सिंग की थी, ओलांजी का। और ये कोई मामूली ट्राइपॉड नहीं, ये डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे से पिघलाकर बनाया गया ट्राइपॉड है। कैसा लगा मेरा मजाक? प्लास्टिक का ये है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। मैंने आपको बताया था कि ओलांजी एक बहुत अच्छा ब्रांड है इन गैजेट्स को बनाने के मामले में, और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। ये देखिए, और ये आपको एक नॉर्मल सा ट्राइपॉड दिख रहा होगा मोबाइल ग्रिप वाला, ये देखिए। इस तरह से आपको इसको खड़ा भी कर सकते हैं, इसमें आप अपना मोबाइल टच करके कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मोबाइल होल्डर ही नहीं, ये एक सेल्फी स्टिक भी है। ये देखिए, इसको आप एज ए सेल्फी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन लगा के उसको सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। ये देखिए, इधर एक हैंडल दिया गया है जिसको हम ढीला करके इसकी मुंडी को भी आगे पीछे ला सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब इसकी नाड़ टूट गई है, अब ये किधर भी हिल सकता है। ये देखिए, और आपको जिधर इसको सेट करना है उधर करने के बाद इसको आप दोबारा से टाइट कर सकती है, ये फिर नहीं हिलेगा। और ये सेल्फी स्टिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओलांजी ब्रांड ये प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे आते हैं, ये 1900 रुपये की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं जाकर। लेकिन एक अच्छी ग्रिप वाली अच्छी ट्राइपॉड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर हमारा फोन टिकेगा। हमारा फोन कितना भी सस्ता है महंगा हो सकता है। मान लो अगर हमने महंगा फोन लिया है और वो हमने इस पर लगाया है, कोई सस्ती क्वालिटी का ट्राइपॉड पकड़ लिया जो कहीं पहाड़ों में या किसी रिवर में टूट गया है, उसमें से फोन निकल गया, तो हमारा फोन किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए एक बढ़िया ट्राइपॉड होना बहुत जरूरी है। तो इस ट्राइपॉड को रखते हैं हम साइड में। और दूसरी खास चीज, हमारी आवाज आप तक कैसी पहुंच रही है, ये काम है एक बढ़िया और बेहतरीन माइक का। तो बोया का नाम बहुत ज्यादा है माइक इंडस्ट्री में, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बोया का माइक। ये है बोया BY-MM1 के नाम से, ये देखिए। और आप घबराइए मत कि ये क्या बिल्ली की पूंछ सी आ गई, ये फट भी सकती है। ये देखिए, ये है इसका असली माइक। तो आपको देखने में नजर आ रहा होगा कि माइक का ड्राइवर कितना बड़ा है, तो इसकी आवाज कितनी अच्छी होने वाली है। और ये भी 1500 रुपये का है गाइस, 1500 रुपये का। जान दो एक बड़ा अमाउंट है, पर अगर आप सिर्फ माइक के लिए 1500 रुपये खर्च नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक माइक और दिखाता हूँ। एक है ये छोटू वाला माइक, ये देखिए, बिल्कुल छोटू सा, और उसका तार बहुत लंबा है गाइज। और ये भी सेम 3.5 mm के जैक के साथ आता है, और ये 250 रुपये का ही है जो मैंने ऑनलाइन अमेजोन से लिया था। लास्ट की 2-3 वीडियो में आप इसी से मेरी आवाज़ सुन रहे थे, तो आप ये भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको महंगा माइक चाहिए, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप बोया तक जा सकते हैं, क्योंकि एक बोया का दूसरा मॉडल 600-700 रुपये का भी आता है और उसकी भी वॉइस बहुत कमाल की है। ये देखिए आप, अगर एक छोटा सा वायर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके पीछे आप बड़ी वायर भी लगा सकते हो, लेकिन जो सेटअप हम यहाँ पे फिलहाल अभी बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें ये छोटा वायर ही काम का है। और दोस्तों, ये भी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये बिल्ली की पूंछ बहुत काम की है, क्योंकि आपके मुंह से निकलने वाला थूक, बहुत सारी आवाजें और सांस की आवाज, इन सब आवाजों को भी ये खत्म कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है इस पे लगाना। तो ये देखिए, ये आपका माइक। अगला आइटम है ये मोबाइल होल्डर, ये भी अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें से फोन हमारा निकलना नहीं चाहिए, और ये वाला मोबाइल होल्डर काफी अच्छा है। इसमें कोई आपको खास चीज नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ होना चाहिए नीचे एक बोल्ट लगने की जगह जो आपके ट्राइपॉड में अटैच हो सके। और हमारा अगला आइटम कुछ जाना पहचाना सा लगेगा आपको, यही है लास्ट वीडियो में जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, ओलांजी की RGB की लाइट, क्योंकि लो लाइटिंग में इंडोर या शाम के वक्त एक थोड़ा सा लाइट सोर्स हो जाए तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये भी हमारे सेटअप में ऐड है। और सबसे आखिरी में एक मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आप अपनी गुंजाइश के हिसाब से आप जो भी यूज़ कर रहे हो कोई सा भी ले सकते हो। ये है Samsung A50। सारी वीडियो क्वालिटी आपके मोबाइल के कैमरे पर ही डिपेंड है।
ये सब गैजेट्स उसको यूज करने के लिए है, लेकिन जैसी आपके मोबाइल की क्वालिटी होगी कैमरे की, वैसी आपको वीडियो का आउटपुट मिलेगा। तो मैं इन सबको अब आपको अटैच करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करने वाली है और आपका सेटअप कैसा लगने वाला है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइपॉड के अंदर इस मोबाइल होल्डर को अटैच कर लेंगे इस नट के जरिए। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। ये देखिए ये अच्छे से लग गया है। ये देखिए अब इसमें कर लेते हैं हम लाइट को अटैच। ये देखिए इसमें ऊपर एक स्लॉट दिया हुआ है और इधर लाइट के नीचे भी देखिए आपको ये दिख रहा होगा। इसको यहाँ पे ऐसे डाल देना है, डल गया। और चीज इसके ऊपर जो ये हाँ ये वाली जो रिंग्स नजर आ रही है, इसको घुमा के इसको आप टाइट कर लेना है ताकि निकल के गिर ना जाए। ये अच्छे से टाइट हो गया। अब ये देखिए कहीं नहीं गिरने वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस सेटअप के अंदर हमें अपना माइक अटैच कर लेना है। ये देखिए इस ट्राइपॉड में इधर एक स्लॉट दिया हुआ है माइक लगाने के लिए भी। ये देखिए माइक के नीचे भी आपको एक ऐसा स्क्वायर नजर आ रहा होगा जिसमें आसानी से लग जाएगा। ये देखिए और इसके अंदर भी एक यहाँ एक सर्कल वाला पहिया दिया हुआ है, इससे भी हम इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा माइक भी अटैच है इसके अंदर। ये गिरने वाला नहीं दोस्तों, ये सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। कभी आपको ऐसा लगे कि निकले गिर जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। ऊपर लाइट लगी, साइड में माइक हो गया, अब रहता है हमारा फोन। बस अपने फोन को इसमें लगा लो और आपका सेटअप कंप्लीट। ये देखिए हमारा फोन लग गया, माइक के वायर को पकड़ो और इधर अपने फोन में अटैच कर लो। ये देखो ये हमारा सेटअप व्लॉगिंग का कंप्लीट। अब इससे आप चाहे तो इसको ऐसे खड़ा करके वीडियो बनाओ कहीं पे भी रख के ही, नहीं तो आप इसको ट्रैवलिंग व्लॉगर की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने हाथ में पकड़ के ऐसे। तो ये सेटअप कुछ ज्यादा भारी भी नहीं है। मैं आपको और अंदाज बताऊं तो ये ज्यादा से ज्यादा आधा किलो इसका वजन होने वाला है, 500 ग्राम तक भी। और ये कहीं भी अगर आप इसको ऐसे पकड़ कर लेकर चलोगे तो देखने वाले को भी लगेगा हाँ भाई सच में ये व्लॉगर है कोई। ऐसा नहीं है कि हम हाथ में फोन पकड़ के ऐसे ही घूम रहे हैं। ये हमारा होगा इसमें कैमरा ओपन, और अब मैं दिखाता हूँ इस कैमरे से। ये देखिए गाइज ये वही सेटअप है जो मैंने भी आपको बनाकर दिखाया है। इसमें इधर माइक भी लगा हुआ है, इधर नीचे ट्राइपॉड है, ऊपर लाइट भी है और बीच में मेरा फ़ोन है। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड उसी से कर रहा हूँ और मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो गाइज ये है वो कंप्लीट सेटअप वीडियो का जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ये देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है। ये था दोस्तों कंप्लीट व्लॉगिंग सेटअप जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके दिखाया है। अगर आपको ये लाइट कंपलसरी नहीं लगती तो आप मत लो। अगर आपको इतना महंगा माइक ठीक नहीं लगता या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सस्ता माइक भी ले सकते हो, और आपका कोई सा भी फ़ोन हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस मेरे कहने से थोड़ा सा ट्राईपॉड और मोबाइल होल्डर पर ध्यान देना, क्योंकि यही हमारे फ़ोन को सेफ रखता है। और ऐसा ना हो कि थोड़ी सी सस्ते के चक्कर में हमारा महंगा फ़ोन या कितने का भी हो वो कहीं बह जाए, गिर जाए या टूट जाए। तो ये पूरा सेटअप वैसे तो 3,500 रुपये का है, लेकिन अगर इसमें से आप थोड़ा माइक और ये लाइट ना हटा दो या थोड़ा एक्सचेंज कर दो या थोड़ा कम पैसों का ले लो तो 1,500-2,000 रुपये में आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा फ़ोन को हटा के, और आप भी एक प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह वीडियो बना पाओगे। वैसे लाइट ज़्यादा ही ब्राइटनेस कर रही है चेहरे के पास ला के, इतना पीछे से ही सही काम कर रही है जैसा कि अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है उसी तरीके से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।